प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए वरदान, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल। आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए आवश्यक, सहकारिता मंत्री प्रतिनिधि गौरव वर्मा। कोविड-19 से मृत पर पत्रकारों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मदद, आरपी सरोज एडजी दूरदर्शन। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहले पहुंचे। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील में ग्रामीण पत्रकारों के लिए वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री के प्रतिनिधि गौरव वर्मा, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और पीआईबी एवं दूरदर्शन के एडीजी आरपी सरोज ने शिरकत की। कार्यक्रम में एसडीएम महेश कैथल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतीश सिंह, उप निर्देशक कृषि टीपी शाही, विनय सिंह जिला प्रोबेशन अधिकारी रामबरम वर्मा, आज तक विनय कुमार सिंह, राष्ट्रीय सहारा, संतोष शुक्ला, रेडियो जाके बागेश्वरी FM आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि अगर हम आज इस कार्यशाला में स्वतंत्रता से बैठे हैं तो इसके लिए उन क्रांतिकारियों का गुणगान आवश्यक है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए वरदान है। 15 सूत्री कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवाओं को समुचित व्यवस्था, विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता के सुधारना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना आदि योजनाओं से अल्पसंख्यकों का उत्थान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से योजना बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए और जिले में मिशन मोड में लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रतिनिधि गौरव वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण मीडिया कार्यशाला लोगों को जागरूक करने के लिए सहायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोई भी गरीब अब भूखे पेट नहीं सोता और कोरोना के समय में यह योजना वरदान साबित हुई है। दूरदर्शन और पीआईबी के एडीजी आरपी सरोज ने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही पत्रकार कल्याण योजना से पत्रकारों को अवगत कराया, जिसके अंतर्गत यदि किसी पत्रकार को कोविड-19 दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। कैसरगंज तहसील के उप जिलाधिकारी ने भारत सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए पीआईबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले के पत्रकारों को बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से सरकारी खबरें उपलब्ध कराई जा रही है। बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पत्रकार या उसका परिवार टीकाकरण कराना चाहता है तो उनके लिए अलग से विशेष कैंप लगवा दिए जाएंगे। अगर कोरोना को मात देनी है तो इसके लिए अति आवश्यक है कि टीकाकरण अभियान जन जन तक पहुँचना है और उसके लिए पत्रकारों का सहयोग आवश्यक है। कार्यक्रम सह संचालन सुंदरम चौरसिया, मीडिया संचार अधिकारी पीआईबी और संयोजन जयचंद्र सोनी, दूरदर्शन बहराइच, अविनाश शरण पीआईबी, सुशील प्रजापति ने किया। देश की सेवा कर रहा है और उत्तर प्रसार होते हैं और देश के विकास में जो भी हमारे योगदान है वो भी बहुत ही प्रभावी तरीके से अभी बड़ी मीडिया कर्मियों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं, सबकी बातें यहाँ पे सुनी गई, कुछ के कुछ ने बहुत अच्छी बातें रखी, कुछ के दिल में कुछ ऐसा समय कि उन्होंने बड़ी मजबूती तरीके से रखा अपनी बात को, इतनी यशस्वी तरीके से रखा गया है। हमारा जो भाई भी जो है बोले पहले बोलता नहीं था लेकिन आज बोल
ये सारी चीजें होती रहती हैं। देखिए हमने समाज